भाई साहब मेरी छोटी बहन का चैनल है मुस्कान का किचन, यहाँ पे आपको डेली खाने पीने का रेसिपी मिलते रहेगी। तो यहाँ पे भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। एमआरके भाई की तरफ से एमआरके न्यूज में आपका ओपी वाला वेलकम। तो भाई साहब ये वीडियो के अंदर आपको मैंने दिखाया है गूगल प्ले का रिडीम कोड सिर्फ एक सेकंड के लिए, तो वीडियो को अच्छे से एंड तक देखना तभी आपको दिखने वाला है गूगल प्ले का रिडीम कोड। और भाई साहब यहाँ पे मैंने परसों का गिव अवे जो रखा था उसका मैंने विनर कल आपको नहीं बता पाया था, तो यहाँ पे परसों का भी विनर पिक करूंगा और कल का भी विनर पिक करूंगा। दोनों का विनर आज पिक करके आपको भाई साहब एमआरके न्यूज कम्युनिटी पोस्ट पे देखने मिल जाएगा, जाके अभी चेकआउट कर लो, वहां पे मैंने पोस्ट कर दिया है कौन विनर है परसों का और कौन विनर है आज का, कौन विनर है कल का। तो इसी तरीके से भाई साहब आज का भी डायमंड गिव अवे हो रहा है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं डायमंड गिव अवे की, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जाके चेकआउट कर लो। और भाई साहब यहां पे अगर आपने फ्री फायर मैक्स अभी तक ज्वाइन नहीं किया है और ये सब आपने रिवॉर्ड नहीं लिया है, तो ये रिवॉर्ड अगर आपको लेना है तो भाई साहब मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिखा है ज्वाइन फ्री फायर मैक्स, उस पर क्लिक करके आप जाके ज्वाइन कर लो, आपको ये सब रिवॉर्ड मिलेगा। तो फटाफट जाओ नीचे कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हूं। और भाई साहब यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि भाई साहब हमारा ओपी 30 का जो अपडेट आ रहा है, आपको बता दूं 27 सितंबर या 28 सितंबर को भाई साहब हमारा ओपी 28 का अपडेट आएगा, और उस दौरान हमको क्या क्या नया अपडेट देखने मिलेगा हमारे गेम के अंदर आपको पूरा डिटेल में बता देता हूँ। भाई साहब सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे भाई साहब हमको देखने मिलने वाला है ऑक की स्किन, जो हमारा रैंक सीजन आएगा तो बैटल रॉयल रैंकेड सीजन होता है उसका। भाई साहब जब सीजन 25 आएगा तो उस टाइम हमको मिलने वाली है ऑक की स्किन बिल्कुल फ्री में। अभी तो हमारा सीजन 23 चल रहा है, इसके बाद सीजन 24 आएगा, उसके बाद 25। तो भाई साहब आपको 25 का मैं अपडेट अभी दे रहा हूँ। और इसी के साथ यहाँ पे भाई साहब हमारा सीएस रैंक सीजन 9 जो आएगा उसमें भाई साहब हमको M4A1 गोल्ड की स्किन मिलेगी परमानेंट। और इसी के साथ साथ भाई साहब हमारे ओबी 30 के अपडेट में हमको नाइफ की मतलब की छुड़ी की स्किन हमको मिलने वाली है इस तरीके की। और उसी के साथ साथ यहाँ पे भाई साहब हमको USP की स्किन मिलने वाली है। तो भाई साहब यहाँ पे बता दो ब्राजील का एक इवेंट हमारे सर्वर में आएगा, तो उस इवेंट के टाइम पे भाई साहब हमको ये स्किन यूएसपी की मिलने वाली है, जो कि ब्राजील के जो झंडा है उसके बेस यहाँ पे भाई साहब ये स्किन बनाई गई है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको बता दूं, यहाँ पे भाई साहब आज से हमारा एडवांस सर्वर हो चुका है स्टार्ट। भाई साहब आपको भी एडवांस सर्वर डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है, तो उसके बारे में पूरा डिटेल बताया हूँ किस तरीके से एक्टिवेशन कोड मिलेगा। तो भाई साहब नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है डाउनलोड एडवांस सर्वर, उसकी लिंक मैंने दिया है, तो याद से डाउनलोड एडवांस सर्वर की लिंक पे क्लिक करके देख लो किस तरीके से आपको एडवांस सर्वर मिलेगा। तो फटाफट जाओ नीचे कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। और इसी के साथ यहाँ पे भाई साहब बता दो आपको ओबी 30 के अपडेट में ट्रैप इवेंट देखने मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सबसे कम अपडेट हमको भाई साहब मिला है कोई इवेंट ओबी 29 का, हमारा जो ये अपडेट है ये भाई साहब सबसे कम इवेंट, सिर्फ और सिर्फ दो इवेंट हमको देखने मिला है। अभी तो सिर्फ हमारा 4th एनिवर्सरी इवेंट खत्म हो रहा है और उसके बाद भाई साहब हमारा मोको इलाइट इवेंट स्टार्ट होगा, तो भाई साहब बस उसके बाद हमारा इवेंट पूरा खत्म हो जाएगा और उसके बाद हमारा अपडेट आ जाएगा। और भाई साहब यहाँ पे आपको बता दूं ओबी 30 के अपडेट में आपको ट्रैप इवेंट देखने मिलने वाला है, जिसमें आपको भाई साहब फीमेल बंडल बिल्कुल फ्री में मिलेगा। और अगर भाई साहब फ्री फायर अगर बहुत खुश हो गया तो यहाँ पे भाई साहब हमको मेल बंडल भी दे सकता है बिल्कुल फ्री में। तो भाई साहब और भी बहुत सारे रिवॉर्ड मिलेंगे, इसके ऊपर एक अलग से इवेंट आएगा, आपको मैं डिटेल में बता दूंगा। और इसी के साथ आपको बता दूं जो भी अपडेट आता है तो भाई साहब वो अपडेट के अंदर हमारे गेम के अंदर दो कैरेक्टर आता है और एक पेट आता है। तो भाई साहब यहाँ पे आपको बता दूं, और भाई साहब यहाँ पे आपको बता दूं हमारे गेम के अंदर एक लियोन नाम का एक कैरेक्टर आना है, जो कि वो बास्केटबॉल प्लेयर है। जी हाँ दोस्तों, एक बास्केटबॉल प्लेयर का एक कैरेक्टर आने वाला है हमारे ओबी 30 के अपडेट में। इसकी एबिलिटी तो भाई साहब यहाँ पे मुझे भी सही से समझ में नहीं आई गई है, और जिसकी एबिलिटी भाई साहब यहाँ पे भाई साहब कुछ HP वाली होगी, जैसे कि अभी आपने देखा ही है जो दिमित्री कैरेक्टर है वो भाई साहब अपने आप को हील करता है आलोक की जैसे, इसी तरीके से कुछ इसका भी HP वाला सीन रहेगा। और इसी के साथ भाई साहब जो दूसरा कैरेक्टर आने वाला है वो हसन करके आने वाला है, जो कि एक वो स्टूडेंट है पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट का, उसके बेसिस भाई साहब यहाँ पे आने वाला है हसन नाम का भाई साहब एक कैरेक्टर। और यहाँ पे भाई साहब एक बड़ा अपडेट आपको बता दूं, ओपी 30 के अपडेट के अंदर आपको भाई साहब कुछ माइक्रोचिप करके एक टोकन मिलेगा, जिसके थ्रू आप भाई साहब
क्रोनो को के कैरेक्टर को और जय कैरेक्टर को आप अपग्रेड कर सकते हो, मगर ये अपग्रेडेशन जो है ये किस लेवल का है, क्या काम में आने वाला है, इसके बारे में अभी कोई भी लीक नहीं मिली है। बस इतना पता चला है आपको भाई साहब OB30 के अपडेट में एक चिप दी जाएगी जिसे क्रोनो और के कैरेक्टर और जय कैरेक्टर, सिर्फ ये तीन कैरेक्टर का नाम बताया गया है। हो सकता है आने वाले टाइम पे हमको आलोक है, दिमित्री है, ये सब जो एक्टिव्स के लिए कैरेक्टर है, वुकोंग, ये सब इसमें भी हमको चिप दिया जाए और भाई साहब जो भी उसका एबिलिटी है उसमें चेंजेस कर सकते हैं हम। हो सकता है इसके बारे में कुछ भी अपडेट मिलेगा तो आपको बता दूंगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पे भाई साहब हमको एक वीडियो स्टोरेज का एक अपडेट मिलने वाला है हमारे गेम के अंदर। जैसे कि अगर आप भाई साहब वीडियो बनाते थे तो यहाँ पे होता ये था कि जैसे हम वीडियो बनाए, अगर अच्छी वीडियो नहीं बनी तो भाई साहब यहाँ पे हम फिर से वीडियो रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करते थे और फिर से स्टॉप करते थे, अगर फिर रिकॉर्डिंग नहीं अच्छी बनी तो फिर से स्टार्ट करते थे, फिर रिकॉर्डिंग करते थे। इससे होता क्या था, हमारी जो फोन की मेमोरी थी वो फुल हो जाती थी। तो भाई साहब यहाँ पे एक फ्री फायर ने वीडियो स्टोरेज करके एक नया सिस्टम लेके आया है गेम के अंदर, जिसके थ्रू भाई साहब जैसे ही आप वीडियो स्टार्ट करोगे तो आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी और भाई साहब जैसे आप स्टॉप करोगे आपकी वीडियो सेफ हो जाएगी। वो वीडियो अच्छी नहीं बनी है तो आप फिर से वीडियो स्टार्ट करोगे तो जो पिछले वाली वीडियो जो आपने सेव किया था वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। जब तक आप वो वीडियो को अपने भाई साहब फोन स्टोरेज में ट्रांसफर नहीं करोगे तब तक वो टेम्पररी सेफ रहेगी, जिससे भाई साहब जैसे नेक्स्ट वीडियो आप फिर से रिकॉर्डिंग करोगे तो भाई साहब वो डिलीट हो जाएगी। तो यहाँ पे ये सिस्टम मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि भाई साहब यहाँ पे हमारे स्टोरेज फुल होने का कोई टेंशन ही नहीं है। जैसे वीडियो अच्छा नहीं बना तो भाई साहब फिर से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देंगे, नहीं तो पुरानी वाली जो रिकॉर्डिंग है वो डिलीट हो जाएगी। तो बहुत ही ओपी अपडेट है ये। और इसी के साथ भाई साहब यहाँ पे बता दूं, भाई साहब OB30 का अपडेट जो रहेगा उसमें भाई साहब LBFF करके एक इवेंट देखने मिलने वाला है। ये चांसेस तो हमारे इंडियन सर्वर में कम लग रहा है क्योंकि भाई साहब ये जो इवेंट है ये सिर्फ हो सकता है ब्राजील सर्वर के लिए देखने मिले, क्योंकि भाई साहब ये LBBF एक टूर्नामेंट है जो कि ब्राजील का टूर्नामेंट है और ये टूर्नामेंट में बहुत सारी स्किन्स है, कॉस्ट्यूम है, गन्स है, ये सब लेके आएगा फ्री फायर, बट हमारे इंडियन सर्वर में लेके आता है कि नहीं ये देखने की बात है। तो भाई साहब चांसेस तो बहुत कम है कि हमारे इंडियन सर्वर में हमको ये इवेंट देखने मिले। और इसी के साथ यहाँ पे आपको बता दूं जो हमारा नेक्स्ट इलाइट पास है, मतलब इलाइट पास सीजन 42 और 43, भाई साहब इसका जो नाम है भाई साहब यहाँ पे रिवील कर दिया है फ्री फायर ने। 42 होगा उसका भाई साहब नाम होगा डेविल ड्रैगन, मतलब यहाँ पे नाम से ही समझ में आ रहा है यहाँ पे भाई साहब आपको कुछ आग वाली थीम देखने मिलेगी, जिसमें भाई साहब आपको ड्रैगन ये सब की स्किन कुछ टाइप का या कॉस्ट्यूम देखने मिले। और इसी के साथ भाई साहब जो हमारा सीजन 43 रहेगा इलाइट पास का, उसका भाई साहब नाम है एस पोकर। इससे भाई साहब समझ में आ रहा है कि जो हमारा इलाइट पास होगा ये कुछ ताश के पत्ते की तरह होगा। भाई साहब यहाँ पे तो दोनों इलाइट पास से समझ में आ रहा है नाम से तो कुछ इस तरीके का होने वाला है। अभी इसके बारे में कुछ भी लीक अपडेट नहीं मिली है, जब मिलेगी आपको वीडियो बना के बता दूंगा। और भाई साहब यहाँ पे आपको बता दूं जैसी अपडेट आएगा OB30 का उसके अंदर भाई साहब हमको वीकली और मंथली VIP का कुछ लेगा भाई साहब अलग से एक इवेंट है, जिसमें भाई साहब हम डेली रिवॉर्ड ले सकते हैं और अच्छा डिस्काउंट ले सकते हैं हमारे स्टोर के अंदर से, क्योंकि वो एक हफ्ते का होगा। जैसे कि आपको पता था हमारा VIP पास था पहले, वो भाई साहब फ्री फायर ने हटा दिया था तो वापस से लाया जा रहा है। देखने की बात है अब ये नए VIP पास में हमको क्या प्रिविलेज मिलती है, क्या बेनिफिट मिलता है, ये तो भाई साहब अपडेट आने के बाद ही हमको पता चलेगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पे भाई साहब आपको बता दूं यहाँ पे भाई साहब हमारे गेम के अंदर एक नई ट्रीटमेंट गन आ रही है, मतलब कि हो सकता है जो हमारी ट्रीटमेंट गन थी उसको भाई साहब डिजाइनिंग चेंज करके उसको भाई साहब न्यू मॉडल में लाया जाए। अभी तो भाई साहब यहाँ पे लीक निकल के आ रही है कि एक नई ट्रीटमेंट गन आ रही है, हो सकता है नहीं आ रही हो। इसमें भाई साहब आपको बता दूं यहाँ पे ये होगा क्या, जैसे आपको प्लाज्मा गन पता ही है उसमें भाई साहब हमको मैगजीन या एमओ डालना नहीं पड़ता, वो भाई साहब रिचार्ज के ऊपर होता है, जितना ज्यादा आप उसको यूज करोगे जितना उतना वो हीट होगा और भाई साहब जितना वो हीट होगा उतना भाई साहब टाइम के लिए रुक जाएगा। तो भाई साहब सेम इसी तरीके से आप इसको ज्यादा जब चलाओगे तो भाई साहब ये हीट के वजह से ये रुक जाएगा, ये यूज नहीं होगा, फिर ये अपना थोड़ा टाइम लेगा जिससे कूल डाउन होगा धीरे धीरे और जिससे हम फिर से यूज कर सकते हैं। भाई साहब इसमें होगा ये कि भाई साहब हम इसको अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं और जो हमारी जो पुरानी ट्रीटमेंट गन थी उसमें सिर्फ 20-25 टाइम हम यूज कर सकते थे, इसमें भाई साहब बहुत दिक्कत आती थी हमको ट्रीटमेंट गन यूज करने में, इससे बहुत सारे प्लेयर इस्तेमाल भी नहीं करते थे। अब भाई साहब होगा ये ट्रीटमेंट गन से भाई साहब बहुत सारे प्लेयर अब यूज करने लग जाएंगे ट्रीटमेंट गन। आपको ये ट्रीटमेंट गन कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और इसी के साथ साथ बता दूं भाई साहब यहाँ पे हमारे गेम के अंदर OB30 के अपडेट के अंदर आने वाला है एक नया मोड। भाई साहब एक नया मोड आने वाला, उसमें भाई साहब 6v6 होगा, मतलब कि 6 प्लेयर आपकी साइड रहेंगे और सामने के साइड 6 प्लेयर।
रेड रहेंगे। तो भाई साहब कतई जहर होने वाला है। हमने 1v1 खेला है, 2v2 खेला है, 4v4 खेला है, और भाई साहब अब आ रहा है 6v6। भाई साहब काफी ओपी मैच होने वाला है, ये मोड तो भाई साहब कतई जहर हो जाएगा। और भाई साहब यहाँ पे एक ये नया अपडेट मुझे मिला है, बट ये अपडेट के बारे में मुझे अभी कंफ्यूजन है। यहाँ पे भाई साहब जब मैच मेकिंग टाइम आउट हो जाता है तो यहाँ पे भाई साहब हम अपना डिवाइस भाई साहब चेंज कर सकते हैं। ये एमुलेटर में भी होगा, ये अभी तक मुझे समझ में नहीं आया ये है क्या मैच मेकिंग भाई साहब टाइम आउट। तो भाई साहब मेरा हुआ नहीं है कभी, या कभी आपका मैच मेकिंग टाइम आउट हुआ है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अभी तक तो मेरा एक भी टाइम मैच मेकिंग जो होता है वो टाइम आउट तो नहीं हुआ है। और डिवाइस स्विच करना एमुलेटर में भी मुझे ये भाई साहब समझ में नहीं आया। अगर आपको कुछ भी समझ में आया तो भाई साहब नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और इसी के साथ साथ भाई साहब बता दूं आपको, हमारे जो नेक्स्ट अपडेट रहेगा उसके अंदर भाई साहब आपको मिलने वाला है दिवाली इवेंट, और साथ ही साथ में यहाँ पे आपको मिलने वाला है हेलोवीन इवेंट। तो आप भाई साहब रेडी हो जाओ दिवाली इवेंट के लिए और साथ ही साथ में हेलोवीन इवेंट के लिए, जो कि भाई साहब हेलोवीन इवेंट स्टार्ट होगा 31 अक्टूबर को और भाई साहब जो हमारा दिवाली इवेंट होगा वो 4 नवंबर को। तो भाई साहब यहाँ पे हमको तो भाई साहब OB30 के अपडेट में मजा ही मजा आने वाला है, क्योंकि फ्री फायर ने भी कंफर्म कर दिया है कि भाई साहब यहाँ पे आपको हेलोवीन इवेंट देखने मिलने वाला है ये साल। और इसी के साथ भाई साहब एक और अपडेट आपको बता दूं, यहाँ पे भाई साहब एक नया टाइप का आपको ईपी बैच मिलेगा। जैसे कि आप भाई साहब कुछ मिशन कंप्लीट करके आप अपना ईपी कंप्लीट करते तो आपको क्लेम करके आपको मिलता था ईपी और आपके बैचेस में दिखाता था आपके प्रोफाइल में। तो भाई साहब अब होगा ये कि आपको कुछ अलग तरीके से मिशन दिया जाएगा, जिससे भाई साहब आप मिशन कंप्लीट करके आप ईपी बैच को आप अपने वॉलेट के अंदर रख सकते हो, जिससे भाई साहब आप अभी वाले इलाइट पास में ऐड कर सकते हो या नेक्स्ट इलाइट पास में या उसके नेक्स्ट वाले इलाइट पास में आप जब चाहो तब अपना जो ईपी वाला बैच है वो ऐड कर सकते हो। तो आपको ये चीज कैसा लगा? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे 50 ईपी जमा करके रख लेता हूँ और भाई साहब जैसे नया इलाइट पास आया तो भाई साहब वो 50 ईपी मैं नए इलाइट पास में डाल के जो रिवॉर्ड है वो फट से मैं क्लेम कर सकता हूँ। तो भाई साहब बहुत ही अच्छा अपडेट है, आपको कैसा लगा अपडेट नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और भाई साहब यहाँ पे आपको बता दूं जो हमारा नेक्स्ट डायमंड रॉयल होने वाला है वो है फीमेल बंडल, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो प्लेरो ट्राइब बंडल करके, ये बंडल होगा हमारा नेक्स्ट डायमंड रॉयल बंडल। और इसी के साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे ये एस्पास की गन की स्किन होने वाली हमारी नेक्स्ट वेपन रॉयल गन। जी हाँ दोस्तों, हमारी नेक्स्ट वेपन रॉयल गन होने वाली है एस्पास, जो कि डबल डैमेज है, सिंगल एमओ है और सिंगल माइनस एक्यूरेसी है। और इसी के साथ साथ भाई साहब यहाँ पे आपको बता दूं जो भी हमारी गेम का अपडेट आता है उसके अंदर भाई साहब नई गन आती है और साथ साथ में नया पेट आता है। तो भाई साहब यहाँ पे आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो हमारा OB30 के अपडेट के अंदर दो नई गन आने वाली है। भाई साहब एक स्नाइपर मुझे लग रही है और जो दूसरी है वो थोड़ा शॉर्ट गन मुझे लग रही है। आपको दोनों गन में से कौन सी अच्छी लग रही है नीचे कमेंट करके बता देना। और इसी के साथ यहाँ पे बीच में देख सकते हो ये हमारा नया पेट होने वाला है। भाई साहब ये तो कुछ रैबिट टाइप का लग रहा है, बहुत ही ओपी लग रहा है। और आपको कैसा लगा ये पेट? अभी तक इसके बारे में कुछ स्किल या नाम उनके बारे में नहीं पता है, जैसे ही अपडेट आता आपको मैं बता दूंगा। तो भाई साहब ये सब पूरा अपडेट आपको मैंने बता दिया, OB30 का अपडेट में आपको ये सब मिलने वाला है। तो भाई साहब और अपडेट चाहिए और इसके बारे में डिटेल में जानना है तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना। आपको इसी तरीके से फ्री फायर की न्यूज अपडेट आपको डेली मिलते रहेंगे। तो भाई साहब यहाँ पे मैंने अपना काम कर दिया, अब बारी है आपकी, आप अपना काम कर देना, चैनल को याद से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना। इस वीडियो की मेहनत के लिए एक लाइक जरूर से कर देना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप अपने अपने फैमिली का ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय।